हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन अनदर इंग्लिश स्टोरी वीडियो। और आज की हमारी जो स्टोरी है, द नेम ऑफ दिस स्टोरी इज़ द ड्रैगन ऑफ क्राकोव। सो लेट्स रीड दिस स्टोरी इन इंग्लिश एंड अंडरस्टैंड इन हिंदी। लेट्स बिगिन। एट द बॉटम ऑफ अ हिल जस्ट आउटसाइड क्राकोव, क्राकोव के बाहर जो हिल साइड था उसके बॉटम में देयर लिव्ड अ ड्रैगन, एक ड्रैगन रहता था। इट स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम स्लीपिंग इन अ केव, और वो ड्रैगन अपना ज़्यादातर समय एक गुफा में सोते हुए ही बिताता था। बट एट डॉन इट वुड कम आउट, लेकिन जब शाम हो जाती थी तो वो बाहर निकलता था। स्ट्रेच इट्स विंग्स एंड लुक फॉर समथिंग टू ईट, अपने पंखों को फैलाता था और उसे कुछ खाने के लिए वो कुछ ढूंढता था। द लोकल पीपल वर अफ्रेड ऑफ द ड्रैगन, और जो वहाँ के रहने वाले लोकल लोग थे वो ड्रैगन से काफ़ी ज़्यादा डरते थे। एंड केप्ट वेल अवे फ्रॉम इट्स हिल, और वो उस पहाड़ी से जहाँ पर वो ड्रैगन रहता था उससे दूर ही रहते थे। बट सम टाइम देयर शीप और क्रोस स्टेट नियर बाय एंड बिकेम ड्रैगन्स ब्रेकफास्ट। लेकिन कभी कभार ऐसा होता था कि उनकी जो भेड़ें होती थी और जो कोए होते थे, जब वो उस हिल साइड पर जाते थे तो ड्रैगन उनका शिकार कर देता था। सो सम ऑफ देम वेंट टू द किंग, तो परेशान होकर उनमें से कुछ लोग थे वो राजा के पास में गए। प्लीज़ योर मैजेस्टी, दे सेड, कैन यू गेट रिड ऑफ द ड्रैगन। तो उन्होंने राजा के पास में जाकर उसे रिक्वेस्ट की, क्या तुम हम सबको इस ड्रैगन से मुक्त करा सकते हो। इट इज़ टेकिंग टू मैनी ऑफ आर एनिमल्स, क्योंकि ये जो ड्रैगन है ये हमारे जानवरों को मार रहा है। किंग क्राकुस प्रॉमिस्ड ही वुड डू समथिंग, और राजा ने उनसे प्रॉमिस किया कि वो इसमें कुछ सोचेगा और कुछ करेगा। He announced that anyone who could get rid of the dragon would be given his daughter, और उसने ये डिक्लेरेशन अपने पूरे राज्य में करवा दिया कि जो भी कोई उस ड्रैगन को मारेगा वो अपनी प्रिंसेस का शादी उसके साथ में कर देगा। वांडा इन मैरिज, उसकी बेटी का नाम वांडा था, और वो शादी के तौर पर जो भी कोई उस ड्रैगन को मारता उसे देने वाला था, और उसकी आधी संपत्ति भी वो अपनी बेटी के साथ में उस इंसान को दे देता। आफ्टर दैट मैनी ब्रेव और फुलिश यंग मैन केम टू ट्राई देयर लक। जैसे ही उसने अपने राज्य में ये अनाउंसमेंट करवाया तो काफ़ी बहादुर और काफ़ी बेवकूफ़ जो यंग मैन थे, जो यंगस्टर थे, वो आए और उन्होंने अपना लक आजमाया। The most fortunate ones went home with their hair and eyebrows burned off। और होता क्या था कि उसमें से वो बहुत भाग्यशाली होते थे कि जब भी वो ड्रैगन के पास में जाते थे तो ड्रैगन उसके मुंह से आग निकालकर उनको जला देता था, उनके बालों को जला देता था, और वो घर पर मायूस होकर लौट आते थे। द अनलक्कीएस्ट एंडेड अप इनसाइड द ड्रैगन, और जो बदकिस्मत होते थे उनको ड्रैगन खा जाता था। एट लास्ट अ पुअर यंग शू मेकर कॉल्ड स्कूबा came to the palace and said he would deal with the dragon। और आखिर में एक शू मेकर था जिसका नाम था स्कूबा, वो राजमहल में आता है और राजा से बोलता है कि वो उस ड्रैगन से निपट लेगा। एवरी वन लाफ्ड बट द किंग क्राकुस वॉज डेस्परेट। हर एक कोई वहाँ पर जो महल में था वो उसके ऊपर हंसा, लेकिन जो राजा था वो काफ़ी सीरियस था और उसे कैसे भी करके उस ड्रैगन को मारना ही था। सो ही डिसाइडेड टू गिव द बॉय अ चांस, तो उसने उस लड़के को एक मौका दिया उस ड्रैगन से लड़ने का। व्हाट डू यू नीड, ही आस्क। राजा ने उस लड़के से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए जिससे तुम उस ड्रैगन से लड़ पाओ। अ लैम्स स्किन, सम गन पाउडर एंड सम मस्टर्ड, सैड स्कूबा। उस लड़के ने राजा से कहा कि उसे एक भेड़ की खाल, गन पाउडर और कुछ सरसों के बीज, ये सब चाहिए। वट वेपन डू यू हैव, आस्क्ड द किंग। तो राजा ने उससे फिर से पूछा कि तुम्हारे पास में कौन सा हथियार है जिससे तुम उस ड्रैगन को मारोगे। जस्ट माई निडल एंड थ्रेड, सेड द बॉय। तो उस लड़के ने राजा से कहा कि उसके पास में केवल एक सुई है और धागा है। The king gave him what he needed, and the young shoemaker sewed the gunpowder and mustard up inside the lambskin. और राजा ने उसे वो सब कुछ दिया जो उसने डिमांड किया था राजा से। उसने वो सारा सामान लिया। उसने गन पाउडर को और मस्टर्ड के जो सीड थे भेड़ की खाल में रख कर सिल दिया। He took the bundle to the dragon hills, और वो उस बंडल को लेकर ड्रैगन हिल तक ले गया। Then he laid the lamb outside the dragon's cave and hid behind a bush. और उसने वो बंडल को ड्रैगन की गुफा के बाहर रख दिया और खुद झाड़ियों के पीछे छुप गया। Dawn came and the dragon emerged from the cave, stretching and yawning. और जब शाम हुई तो जो ड्रैगन था वो एज यूजुअल कुछ खाने के लिए उसकी गुफा से बाहर आया। उसने अपने आप को स्ट्रेच किया और जमाई ली। He saw what he thought was a dead lamb. और उस ड्रैगन ने क्या देखा? वही गट्ठर, वही बंडल जिसके अंदर उस लड़के ने मस्टर्ड के सीड और गन पाउडर रखा हुआ था और उसे भेड़ की खाल में सिल दिया था। तो ड्रैगन ने सोचा ये कोई मरा हुआ भेड़ है या फिर मेमना है। He thought a nice easy breakfast today. और उस ड्रैगन के दिमाग में भी यही आया कि आज तो अच्छा हुआ कि उसे बहुत ही ईजी ब्रेकफास्ट मिल गया, उसे इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। He gulped it down in one bite. और उसने उस बंडल को लिया और एक ही बार में वो ड्रैगन उसे निकल गया। एंड देन द ड्रैगन थ्रॉट स्टार्टेड टू बर्न एंड हिज स्टमक फेल्ट ऑन फायर। और जैसे ही उसने उस बंडल को निकला तो उस ड्रैगन के पेट में आग जलने लगी। उसे ऐसा फील होने लगा कि कुछ तो है जो उसके पेट में जल रहा है। He ran towards the वस्तुला रिवर टू कूल डाउन। और वो भागा नदी के पास में, नदी का नाम था वस्तुला रिवर, और वो उस नदी के पास में पानी पीने के लिए भागा। He drank and drank the river water to soothe his raging thirst. और जैसे ही वो रिवर पर पहुंचा तो उसने बहुत सारा पानी पिया ताकि उसके पेट के अंदर जो जलन हो रही थी वो उससे उबर पाए। Until there was nothing left of the river to drink. और वो पानी तब तक पीते रहा जब तक उसने सारा नदी का पानी ना पी लिया। But it was too late. The mixture inside the dragon had mixed with its own fiery breath. लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी वो जो पानी पी रहा था उसके लिए भी, क्योंकि उसके अंदर गन पाउडर था। जो भी मटेरियल उसने उस भीड़ की खाल के साथ में निगल लिया था वो एक एक्सप्लोजिव था। और उसकी जो सांस थी उसमें भी जो फायरी ब्रीथ थी जिसके साथ में जब वो मिक्स हुआ तो एक फ्रिक्शन हुआ। एंड ही एक्सप्लोडेड विद अ बिग बैंग। और एकदम से एक धमाका हुआ जिसमें वो चिथड़े चिथड़े हो गया। एंड देयर वर पार्ट्स ऑफ द ड्रैगन ऑल ओवर द कारकोव। और क्या होता है कि वो फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है और उसके टुकड़े पूरे कारकोव की जो हिल साइड थी वहाँ पर बिखर जाते हैं। द स्मार्ट शो मेकर वॉज हैप्पीली मैरिड टू प्रिंसेस वांडा। और जो शो मेकर था उसकी शादी प्रिंसेस वांडा से हो जाती है। एंड द पीपल ऑफ कारकोव वर वेरी हैप्पी। और वहाँ के जितने भी लोग थे वो सभी बहुत खुश थे। बिकॉज दे नो लॉन्गर हैड टू वरी अबाउट बीइंग ईटन बाय अ ड्रैगन। क्योंकि अब उनके मन में जो ड्रैगन के द्वारा खाए जाने का फियर था वो ख़त्म हो चुका था। द रॉयल कपल हेल्ड अ बिग पिकनिक ऑन द रिवर बैंक। और जो रॉयल कपल था शोमेकर और प्रिंसेस, उन दोनों की शादी हो जाती है और उसके बाद में फिर वो नदी के किनारे पर एक पिकनिक के लिए जाते हैं। एंड एनी चाइल्ड हु फाउंड अ ड्रैगन्स स्केल ब्रॉट इट टू दैम गॉट अ गोल्डन डुकाट इन रिटर्न। और बच्चे वहाँ पर पड़े हुए जो ड्रैगन के टुकड़े थे वो जो ड्रैगन के टुकड़े उस तक लेकर आते थे तो उनको सोने की मोहर मिलती थी। प्रिंस स्कूबा सेव्ड ऑल द शाइनी स्केल्स एंड मेड दैम इनटू अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर हिज फर्स्ट बेबी। और जितने भी ड्रैगन के टुकड़े थे जो उसे बच्चों से मिले थे, जिसके बदले में उसने उनको सोने की मोहरें दी थी। वो सभी टुकड़े को उसने इकट्ठा किया जो ड्रैगन के टुकड़े थे, और उनसे शू बना लिए पहले बच्चे के लिए। सो दिस इज़ इट फ्रॉम दिस स्टोरी, होप दैट यू लाइक इट। अगर ये स्टोरी आपको समझ में आई, पसंद आई तो लाइक करो इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करो, मदद करो उनकी ऐसी ही स्टोरीज़ के थ्रू उनकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। और इस चैनल को आगे ऐसे ही स्टोरी वीडियोस और देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। सो आई टेक अ लीप एंड विल बी राइट बैक ब्रिंगिंग अनदर स्टोरी लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच।